इल्म की बात हो रही थी शाहजी आप कह रहे हो कि पैरल दोनों चीज़ें रेयर हैं रेयर हैं बहुत रेयर है बहुत रेयर है इसके अंदर बहुत रेयर होती है एक चीज़ मिल सकती है या तो दुनिया ले लो या दीन ले लो दिनिया तारा का वर्ड आ गया ना दीन दुनिया आजकल एक पॉपुलर वर्ड है या दीन दुनिया ठीक है ना देखिये मैं एक अजीब बात बताऊँ आपको आ, किस तरह बताया जाए देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ था विद एवरी थिंग अब इसी चीज को अगर थोड़ा साइड पे ले जाओ इधर के मैं वैसे देखता हूँ इधर उधर जैसे होता है बहुत सारे क्योंकि मेरे पास जब क्या कहते हैं यूट्यूब खोलता हूँ तो इसी तरह के बाबे बूबे टाइप की चीजें हम जैसे लोग आते हैं ये वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो स्टार है जिसको स्टार डेविड भी कहा जाता है ठीक है ना इसके अंदर नक्श ऊपर बनाना इसके इर्द गिर्द बनाना ये मैजिकल स्पेल है ठीक है न मैं एक बात कर रहा हूँ हर आदमी का अपना स्कूल ऑफ है हमने तो मैंने तो देखा हमारे अब्बा ने तो नहीं बनाया इस गिर गिर्द मगर पूरे ईरान में जी। इसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है जो तेलसम बनाते हैं अंगूठियों के ऊपर जो ईरान के अंदर अभी नौ आ रहा है आपका जी इक्कीस या बाईस मार्च को जी यानी कि महीना भी नहीं है उसके अंदर पूरे ईरान के अंदर जितना ये इन्ग्रेविंग का काम करते हैं सब ईरान भागते हैं पाकिस्तान से ये बनाने के लिए क्योंकि वो शब्द बनाते हैं उनकी अपनी थ्योरी है कि एक रात बनाते हैं और चांद यूं होना चाहिए उसमें बड़ी कुत होती है और यूं होता है वो होता है सही स्कूल ऑफ थॉट है अब स्कूल ऑफ थॉट है बट बट द थिंग इज दैट के बनाते स्टार है आपने देखा है आपने भी बनाया है तो स्टार है ना वो बिल्कुल स्टार 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 तो मतलब वो भी मैजिक में चला गया है।, <laughs> yeah. है ना बिल्कुल ये चीज़ है ना अब यही टोपी दरवेशी टोपी है ठीक है ना ये सेवन की टोपी है और ये किसी की याद दिलाती है जब भी मैं पहनता हूँ ठीक है ना सेवन की टोपी है ये ठीक है ना बट इसको जो है क्या कहते हैं म्यूजिक वीडियोस में भी इस्तेमाल करते हैं लड़के बिल्कुल है ना नामो में भी ये आ, फिर वो फिर वो क्या म्यूजिक वीडियोज में इस्तेमाल करते हैं ओहो ये टोपी तो छिचोरा लगती है आदमी के सर के ऊपर है ना यही चीज है बिल्कुल लेकिन आई कहा से है सेवन सेवन से आई है इसकी अपनी एक पावर हो गई है देखो देखने वाले का नजरिया है ना बिल्कुल देखने वाले का नजरिया है उस चीज को ये 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 बिल्कुल ऐसा ही है ये कल कल पर टोपी की मिसाल इसीलिए दे रहा था जस्ट टू गिव अ पैरल रिफ्लेक्शन ऑफ के स्टार का पैरल हर आदमी का अपना नजरिया है बिल्कुल हर आदमी का अपना नजरिया है जो उसने सीखा है अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है जो केमिस्ट्स हैं जो केमिस्ट्री के जो पीएचडी एच डी है केमिस्ट कहलाते हैं वो अगर उनको किसी के केमिकल फार्मूले में एक चीज नजर आती है दूसरे केमिस्ट्री को बोलेगा कि वो प्रैक्टिस रॉन्ग है दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू इट बिल्कुल यू गैट डिफरेंट स्कूल ऑफ था डिफरेंट थिंग्स हर आदमी का अपना स्कूल ऑफ थाट है बट यू कैन नॉट से जी वो हंड्रेड परसेंट राइट है और मैं हंड्रेड परसेंट सही हूँ लेकिन आजकल का दौर ऐसा है सोशल मीडिया यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिल्कुल लाइक आई कैन से कि जी ये फोन बना ही मेरे लिए था सैमसंग ने डिज़ाइन मेरे लिए किया था जिसकी बैटरी जो है कभी ख़त्म नहीं होती उसने तो मैसेज के लिए डिज़ाइन किया था फॉर सेल फॉर पब्लिक यूज़ खरीदो और इस्तेमाल करो ये ऐसे ही है ना अभी कल परसों की बात है शाजी मैं देख रहा था टर्की में ना तकरीबन हज़ार एक साल पुराने कुछ बुक्स निकली हैं वो सांप की खाल पे इनग्रेव हुई हुई बुक्स हैं और उसमें भी स्टार ऑफ डेविड और तिलिज्मान और ये चीजें अब ये सुने ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक जगह पे वो खबर चला रहे हैं कि बाइबल मिली है दूसरी तरफ खबर चला रहे हैं कबाला मैजिक की वो बुक्स मिली हैं बुक्स मिली है ठीक खबरें डिफरेंट हैं तस्वीर सेम वही है ठीक तो है? है अच्छा नीचे कुछ लोग कह रहे हैं कि यह है क्या कुछ लोग कह रहे हैं इन्हें जला दो कुछ कह रहे हैं कि ये जादू है मतलब हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यूट है परस्पेक्टिव है Has a they look at, ka, हर आदमी का अपना है हर चीज का घराने के लोगों का परस्पेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनता है या कैसे उनका ओपिनियन पहले, तो पहले तो ये डिटर्मिन किया जाए कि घराने के लोग होते कौन है घराने के लोग बेसिकली ये इंडिया से है ये रिवाज

घराने के लोग कहलाते थे, थे कि जब जर्द कोफ शुरू हो गई थी ना जी। क्या कहते हैं ईरान इराक में अरब टाइम में अब्बासी के दौर में ग्यारहवीं सदी में बारहवीं सदी में तेरहवीं सदी में तो उसके बाद जितने सैयद थे जी। और जितने लोग जो क्या कहते हैं उसे ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग घराने के लोग बेसिकली पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं जो रातों को जाग के पढ़ते हैं ठीक जो रातों को जाग के पढ़ते हैं ठीक ये लोग जो है इन्होंने सब कॉन्टिनेंट का रुख किया इन्होंने सब कॉन्टिनेंट का रुख किया क्योंकि वहां पे जो है कहते हैं क्योंकि वो चीज ये था कि उस जमाने में तमाम हिंदू आबादी थी सब कॉन्टिनेंट तमाम हिंदू आबाद भी थी एंड द अदर थिंग इज इसके वो जो वजह ये थी इनके वहां क्योंकि ये साहिब करामत होते थे जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे करामत से मतलब कुछ ना कुछ कर लेते थे सही। बच्चा बीमार हो गया दम दरूद किया सेवा हो गई पावर ना बिल्कुल है ना पावर थी एक पावर थी उनके हाथ में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे हिंदू बेसिकली वेलकम किया, वेल्कम किया उनको। अरब में तो जो हाल हो रहा था वो तो पता है सबको उस जमाने में तो ये घराने के लोग बेसिकली ये वहां से वहां ये घराने के लोग कहलाने लग गए पहले फिर वो अरब ही वर्ल्ड में सैदों से सारी उनके जैसे खुशबू आती थी महक आती थी जहाँ चलते थे लोगों को बहुत सारों को क्या कहते हैं हाला नज़र आता था कुछ लोगों के ऊपर जो बहुत ही पाएसैयत थे मैं ग्यारहवीं बारहवीं सदी की बात कर रहा हूँ ठीक है ना इन 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 आरियर्स इन दर नाइनटीन सेंचुरी की बात कर रहा हूँ ट्वेल्थ और अलेवन सेंचुरी की उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब जर्द व कॉप शुरू हो गई तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए जब वो वहाँ शिफ्ट हुए उन्होंने वेलकम किया ठीक है ना क्योंकि उनको तो वो नहीं था बिकॉज दैट इज नो रिलीजन ठीक जो है mysticism के अंदर आपका मजहब नहीं आता सही। mysticism जो है वो एक हर जगह है हर साथ है अन होली बुक के साथ, है, unholy, unholy unholy के साथ mysticism आती है। है। ठीक के। अनहोली से मतलब इट रॉन्ग होली से मतलब वो होती है जो आसमानी किताब हो अनहोली से मतलब वर्ल्डली किताब हो जैसे जेके रोलिंग जेके रोलिंग जो है आप बोलोगे मिस्टिकल बुक है हैरी पॉटर नहीं फिक्शन है फिक्शन तो है मगर है मिस्टिकल सोच